आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव की नगरी में श्रावण मास पूरे धूमधाम पारंपरिक उत्साह श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। शिव की नगरी के हर देवालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की भक्ति में शिव की नगरी के नागरिक लीन दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा सुबह से ही देवालयों में जाकर पूजन अर्चन आरंभ कर दिया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये पहले उपनगरीय इलाका कहलाता था, वर्तमान में शहर का मुख्य इलाका हो चुका है, मुख्य जगह हो चुकी है भैरवगंज। भैरवगंज के नर्मदेश्वर महादेव देवालय का हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं। श्रावण मास के सोमवार, अभी सोमवार बीता है, 12 अगस्त 2024 को इस सोमवार के दिन यहाँ पर हीरा लाल कुल्हाड़े, जो एक बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा पूरी महाकाल की थीम, उज्जैन के महाकाल की थीम यहाँ पर लागू की गई और महाकाल की तरह यहाँ उनके द्वारा सजाया गया। श्रद्धालु कितने हैं ये आप देख सकते हैं, किस तादाद में यहाँ पर भक्त उमड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का यही स्वरूप आपको दिखाई देता है उज्जैन के महाकाल में, उसी तरह से यहाँ पर सजाया गया है। भैरवगंज का ये हम आपको नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लगातार ही हम विभिन्न देवालयों में आपको ले जाकर हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर श्रावण मास में देवालयों को पूरी तरह सजाया गया था, और अब यहाँ आप एक बार देख सकते हैं फिर से देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा कालों के काल भगवान शिव का रूप प्रसाद यहाँ देख सकते हैं। भोग जो उनको लग रहा है, कितने तरह का भोग देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है। ये नज़ारा आपको जो हम आपको दिखा रहे थे, ये नज़ारा आपको कालों के काल महाकाल, महाकाल की नगरी में आपको ये नज़ारा वैसे दिखाई देता होगा। वहाँ शिवलिंग को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, और सिवनी में जो एक बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं हीरा लाल कुल्हाड़े, उनके द्वारा इसे सजाया गया है। भक्तों की भीड़ यहाँ आप देख सकते हैं, भक्त बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भोले बाबा कितने सुंदर स्वरूप में यहाँ पर विराजित दिखाई दे रहे थे। श्री नर्मदेश्वर महादेव देवालय भैरवगंज में ये स्थित है। वैसे भी भैरव बाबा भी एक रूप माने जा सकते हैं भगवान शिव का। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, अधेड़, हर वर्ग के लोग, उम्रदराज भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव की भक्ति में लीन, और यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों भक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। भैरवगंज का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप हमारे सारी खबरें देख रहे हैं तो सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत अगर आप चाहें तो आप भी अपने आसपास की घटनाओं के संबंध में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को अवगत करा सकते हैं, उनके वीडियोस भेज सकते हैं। सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत हम आपके हवाले से उन खबरों का प्रसारण करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।